नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखें न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की शुरुआत इस सवाल के साथ कि इसराइल वर्सेस हमास कौन किसके साथ, क्योंकि ये वो जंग है जिसने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। ये जंग ने नए सिरे से आतंक के चेहरे और इसकी परिभाषा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वाकई क्या राजनीतिक सहूलियत देखकर ही वैश्विक नेता और सरकारें पक्ष और विरोध में तर्क गढ़ रहे हैं? कोई इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, कोई हमास को। इस दर्द को अनदेखा कर कि हर बीतते वक्त, हर बीतते लम्हे के साथ मानवता दम तोड़ रही है और दुनिया का दो धड़ों में बंट जाना सवाल उठा है कि क्या यूक्रेन रशिया युद्ध की विभीषिका से इंसान के तौर पर दुनिया ने कुछ सीखा, और हमास और इजराइल की जंग क्या तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी है? देखिए, पांच दिन बाद भी जंग जारी, कौन पड़ रहा किस पर भारी? We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies. जॉर्डन, ईरान, लेबनान, बन गया जंग का प्लान। And let there be no mistake, the United States stands with the state of Israel. इसराइल वर्सेस हमास, कौन किसके साथ? Яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Израиль Хамас में आर पार शुरू हो गया थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्या गाजा से हो गया तीसरे विश्व युद्ध का आगाज? क्या गाजा बनने वाला है तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर? क्या गाजा से भर की बारूद की बरसात तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बनेगी? क्या हमास ने इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट डालकर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है? पहले हमास का हमला और अब इसराइल का बदला। साफ साफ संकेत है कि वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज चुका है। आसमान में धुएं का गुबार है। सड़क खून से लाल है। हर तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट है। हालात यही कि गाजा जल उठा है और धधक उठी है वो जंगी चिंगारी जिसमें कई देश जलने वाले हैं। जंग को शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं और हर पल इस जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। क्या अमेरिका, क्या रूस और क्या ईरान, हर कोई इस जंग में कूद पड़ा है। हमास और इसराइल में वजूद की लड़ाई अब अपने चरम पर है। ऐसे में इतिहास खुद को दोहराने वाला है। दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखने वाली है। दुनिया एक युद्ध का दंश सालों से झेल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और उस पहले ही परमाणु हमले को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। ऐसे में हमास का इसराइल पर हमला और इस हमले के बाद इजराइल का कसम खाना कि वो हमास को खत्म कर देगा, उसे नेस्तनाबूद कर देगा, कहीं ना कहीं दुनिया के लिए टेंशन को बढ़ाने वाला है, क्योंकि इजराइल के पास परमाणु मिसाइल मौजूद है और किसी भी परमाणु संपन्न देश के ऊपर हमला करना दुनिया की टेंशन इसलिए भी बढ़ाता है क्योंकि दुनिया पहले से ही इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर दो धड़ों में बटी हुई है।
जंग में हर बीतते घंटे के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ताजा जंग में इसराइल के 1200 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 3000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 120 लोगों की किडनैपिंग के बाद भी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक दावा किया जा रहा है कि हमास के आतंकियों ने इसराइल के 120 लोगों को किडनैप कर लिया है। वहीं इसराइल के पलटवार में हमास के 1055 आतंकी के मारे जाने की खबर है। वहीं करीब 5184 लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही इसराइल ने हमास के अब तक 2325 ठिकानों को तबाह कर दिया है। वैसे ही इसराइल के लिए जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है लिबनान ने। लिबनान लगातार इसराइल को घेरने के फिराक में लगा है। मैप से समझिए इसराइल किस तरह से दुश्मनों से घिरा हुआ है और कैसे लिबनान ने एक और वॉर फ्रंट खोलकर इसराइल को उलझा दिया है। इसराइल और लिबनान पड़ोसी मुल्क है, दोनों के बीच में उत्तरी हिस्से को लेकर विवाद है जिस पर इसराइल का कब्जा है, लेकिन लिबनान इसे अपना बताता है। यही नहीं, दूसरी तरफ सीरिया की सीमा भी इसराइल से लगती है और दोनों ही जगहों पर हिजबुल्लाह के आतंकियों का ठिकाना है जिसे ईरान की आर्मी सपोर्ट करती है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और गाजा से आ रही तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। तस्वीरें गाजा की हैं जहां इजरायली सेना ने इस्लामिक विश्वविद्यालय को निशाना बनाया। आसमान में उठता धुएं का गुबार यह बताने के लिए काफी है कि यह हमला कितना घातक था। पिछले 4 दिनों से लगातार गाजा में इसी तरह के हमले जारी हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में ये इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। हमास ने जो कत्लेआम, जो तबाही इसराइल के अंदर मचाई, उसने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के गुस्से के मीटर को अप कर दिया है, जिसके बाद नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास और सहयोगी मौत का वो तांडव देखेंगे जिसे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इज़राइल इज़ एट वॉर। We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies. पिछले 24 घंटे में हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। 24 घंटे में गाजा पर तीसरी बार इसराइल का हमला है। इसराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर फाइटर जेट से हमले किए। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तरी गाजा के अल-फुकरान में हमास के बड़े सेंटर पर हमला हुआ है। वहीं इसराइल का कहना है कि हमास के सभी ठिकाने तबाह करने तक हमले जारी रहेंगे। हमास के अप्रत्याशित हमले के बाद जिस तरीके से इसराइल ने बृहद स्तर पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, ऐसे में पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ इसराइल की तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली सभी तरीके की सहायता, सैन्य सहायता सहित इसराइल को देने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ हमास के समर्थन में रूस, ईरान और परोक्ष रूप से चीन भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से जिस प्रकार से इसराइल ने परमाणु शस्त्र तक के इस्तेमाल की धमकी दी है, ऐसा लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। इसराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने एंट्री कर ली है, जिसमें हमास की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। दरअसल अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार, गोला बारूद और सैनिक इसराइल भेज दिए। इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है।
इसराइल पहुंचे इस अमेरिकी विमान में नई टेक्नोलॉजी के हाईटेक गोला बारूद और हथियार हैं। मंगलवार देर रात विमान अमेरिका से उड़ान भरने के बाद इसराइल पहुंचा है। ये विमान इसराइल के नेबातिम एयरबेस पर उतरा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यह गोला बारूद ऐसे समय की तैयारी के लिए भेजा है जब युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को पूरा समर्थन देने को कहा था। United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. वही अमेरिका के एयरक्राफ्ट भी इसराइल पहुंच चुका है। अमेरिका ने जो हथियार भेजे उनमें नौसेना का विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी शामिल है, जिससे जंग के मैदान में टेंशन का मीटर अप हो गया है। आखिर क्या क्या है इस एयरक्राफ्ट में, चलिए आपको बताते हैं। अटैक और सपोर्ट एयरक्राफ्ट 8 स्क्वाड्रन गाइडेड मिसाइल क्रूजर से लैस है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इस पर तैनात किया गया है। वहीं F-15 फाइटर जेट और F-16 फाइटर जेट को भी भेजा गया है। अमेरिका का महाविनाशक युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड कई और विध्वंसक जहाजों के साथ गाजा पट्टी की सीमा के पास पहुंच गया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को देख हमास के हमदर्द तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान बौखला गए। उन्होंने सवाल किया है कि क्या अमेरिकी फाइटर जेट गाजा में हमला करेंगे और नरसंहार करेंगे। उन्होंने कहा कि गाजा में बिजली और पानी की सप्लाई को काट दिया गया है। एर्दोगान ने कहा कि आपको पानी बंद करके मानवाधिकारों के उल्लंघन का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका उचाक गेमिसिनी इसराइले गोंदेरियो। अमेरिकानन उचाक गेमिसिनिन इसराइलदे ने इशी वार? ने यापमाया गेलियो? वे buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün artık Gazze'yi etrafını vurarak indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. इसराइल और फिलिस्तीन की जंग ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। हालात यह है कि गाजा में मौत का तांडव हो रहा है। यूरोपीय देश जहां इसराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो वहीं ईरान और लेबनान जैसे देश ने हमास और फिलिस्तीन को समर्थन दिया है। यानी जो जंग एक देश के वजूद की लड़ाई लग रही थी, अब वो विश्व में सबसे ताकतवर कौन की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। इसराइल को अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, मिस्र जैसे देशों का सपोर्ट मिल रहा है। हमास को आतंकी संगठन मानने वाले देश इसराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका इसराइल को मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया ने फिलिस्तीन को मदद रोक दी है। वहीं आतंकी संगठन हमास की कमर तोड़ने के लिए EU फिलिस्तीन पर आर्थिक प्रतिबंध का ऐलान कर सकता है। वही अमेरिका की मदद के बाद नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की है और उनका धन्यवाद दिया है। साथ ही जंग के ताजा हालात को लेकर उनसे चर्चा की। Mr. President Joe, I want to thank you for your continued and unequivocal support and the work of your entire administration to support us. We've never seen such savagery in the history of the state, and they're even worse than ISIS. वहीं दूसरी तरफ हमास को भी कई देशों का समर्थन मिल रहा है। हमास के कंधे पर बंदूक रखे इसराइल के दुश्मन देश उसके खिलाफ चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर रहे हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में आया है। हिजबुल्लाह लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है। ईरान भी समर्थन में खड़ा है। बताया जा रहा है कि 90% हथियारों की सप्लाई ईरान ने ही हमास को की है। वहीं तालिबान भी हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वहीं अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हमास के समर्थन में आ गए। उन्होंने इस जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसा का यह भयावह रूप दिखाता है कि अमेरिकी नीति मिडिल ईस्ट में विफल हो गई है और इस युद्ध में फिलिस्तीनियों की जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Оказывали давление на обе стороны, именно на обе, то на одну, то на другую, но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. जैसे जैसे अरब इसराइल में करीबी बढ़ रही है, मिडिल ईस्ट का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है और इससे फिलिस्तीन बखूबी अवगत है। फिलिस्तीनी नेता भी इस चीज को करीब से देख रहे हैं कि खाड़ी मुल्क धीरे धीरे इसराइल के पाले में जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के अस्तित्व के लिए खतरा है। हमास के अटैक पर अरब मुल्कों ने शांति बनाए रखने की तो अपील की, लेकिन उसके उलट इसराइल के एयर स्ट्राइक और जमीनी हमले में मारे जा रहे फिलिस्तीनियों पर खामोशी अख्तियार कर रही है। हमास ने मिडिल ईस्ट के इस राजनीतिक समीकरण को भांपते हुए ही माना जा रहा है कि हमले का फैसला किया, जिसमें बीते कई सालों का दर्द छिपा है। जिस प्रकार अमेरिका कोशिश कर रहा था इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनवाने की कोशिश कर रहा था कि मिडिल ईस्ट में एक शांति और सुरक्षा कायम की जाए, ये हमला उस अमेरिका के प्रस्ताव का निश्चित रूप से एक तोड़ है। ये देश, खासकर ईरान, टर्की, ये देश नहीं चाहते थे कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच समझौता हो, जिससे इस पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल हो और कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रभुत्व भी कायम रहे। यह हमला ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका सऊदी अरब और इसराइल के बीच समझौता करवाकर इसराइल को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के बेहद करीब है। ऐसे में आइए आपको हमास के क्राइम कुंडली समझाते हैं। हमास फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में हुई। इसे गाजा पट्टी में इसराइल के कब्जे का विरोध करने के लिए बनाया गया, जिसके निशाने पर यहूदी समुदाय के लोग होते हैं। हमास ने इससे पहले सबसे बड़ा हमला 1996 में किया था, जिसमें 60 इजरायली लोग मारे गए थे। माना जाता है कि इसे फंडिंग कतर से मिलती है और कुछ फंडिंग गाजा पट्टी से टैक्स वसूल कराती है। जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गाजा पट्टी से शुरू हुई लड़ाई क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।